नमस्ते प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है कक्षा दूसरी का कितने सारे त्यौहार कविता पाँच में, है ना। तो अपन देखते हैं, देखिए ये कहाँ उल्टी पुल्टी कविता। उल्टी पुल्टी कविता क्या होती है? जो कविता आगे पीछे यानी नीचे की लाइन ऊपर, ऊपर की लाइन नीचे अगर लिखते हैं, उल्टी पुल्टी करते हैं, उसको उल्टी पुल्टी कहते हैं ना। तो देखिए आगे, कितने सारे त्यौहार कविता की कुछ पंक्तियाँ उल्टी पुल्टी हो गई है, इन्हें सही करके दोबारा लिखे, दोबारा लिखना है आपको। तो चलो लिखना शुरू कर दो। मौसम बदलता जैसे अपना, नए नए त्यौहार वैसे वैसे आते देखो रूप हर बार। ये तो गलत है ना। तो आपको क्या लिखना है? मौसम बदलता जैसे अपना रूप रंग हर बार, वैसे वैसे आते देखो नए नए त्यौहार। पहली लाइन यहाँ, फिर ये वाली यहाँ लिखोगे आप, फिर ये वाली यहाँ, और नए नए जो त्यौहार होते हैं वो यहाँ लिखोगे, है ना। उस तरह से तो देखा आपने नन्हे प्यारे बच्चों, अपने कितने सारे त्यौहार हैं। इसमें लोहड़ी का त्यौहार बताया है, इसमें दिवाली का त्यौहार बताया है, और आपको ये कविता पूरी कंठस्थ करना है ना। अब देखो आगे क्या है, आगे का देखे, लिखे कहानी। कहानी लिखना है आपको इस कविता पर, एक कहानी लिखना है। कैसे? सुनो, दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए एक छोटी सी कहानी लिखे। कितनी लिखना है? सिर्फ 10 ही तो लाइन है, 10 लाइन में आपको कहानी पूरी करना है। कहानी में क्या क्या शब्द आना चाहिए? त्यौहार, दोस्त, घर, मस्ती, खाना, नाचना और गाड़ी। तो आपको किस तरह से कहानी बनानी है? कहानी आपको बनानी है कि आप गाड़ी में बैठ के दोस्तों के साथ कहाँ जा रहे हो। हमने देखा है आप मामा के घर जा रहे हो, या आप कोई दोस्त के घर जा रहे हो, जिसके भी आपको पसंद हो, भैया दीदी के घर जा रहे हो। तो गाड़ी में बैठ के आपको किस लिए जाना है? वहाँ पर बढ़िया सी दिवाली या होली या क्रिसमस या आपको जो भी ईद मनाना है, तो वो दोस्त के साथ कहाँ जाना है? गाड़ी में बैठ के वो त्यौहार मनाने के लिए उनके कहाँ जाना है? घर, उनके घर जाकर वहाँ क्या करोगे आप? घर जाकर खाना खाओगे, डीजे लगा के नाचोगे और क्या करोगे? मस्ती,
है ना। इस तरह से छोटी सी कहानी आपको पूरी करना है, आया ख्याल में, है ना। बहुत अच्छे से आपने अध्ययन किया। अब सुनो आगे क्या है, आओ दोहराए। क्या दोहराना है, तो दिया गया चित्र देखे और एक वचन, एक वचन क्या होता है, जिसमें एक चीज आती है एक वचन कहते हैं। बहुवचन, जहाँ एक से ज्यादा होता है उसे क्या बहुवचन कहते हैं। तो इस चित्र में आपको देखना है और शब्द ढूंढकर सही स्थान पर लिखे, सही स्थान पर आपको लिखना है। अब देखो इसमें क्या क्या एक वचन वाली है और क्या क्या बहुवचन वाली है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एक वचन वाली, है ना। अब एक वचन में आपको क्या दिख रहा है, अब यहाँ पर ये लड़की है, मगर लड़की एक है क्या, नहीं, एक से ज़्यादा है। तो इधर क्या लिखोगे आप, लड़कियाँ, क्या लिखना है, लड़कियाँ। अब देखो यहाँ लड़के नज़र आ रहे हैं, ये एक होता तो अपन इधर लिखते लड़का, बट यहाँ एक तो नहीं है, यहाँ भी लड़का है, यहाँ भी लड़का है, यहाँ भी लड़का है, तो ये क्या हो गया, लड़के। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, लड़के। अब इसके आगे क्या ज़्यादा दिख रहा है आपको, देखो ये क्या उड़ा रहे हैं, पतंग, मगर एक पतंग नहीं है, यहाँ पर पतंग भी दो है, तो आप बहुवचन में लिखोगे पतंगे। और उसके बाद में ये क्या नजर आ रहा है आपको, ये क्या चीज है जी, इसे कहते हैं पेड़, मगर एक पेड़ तो नहीं है, यहाँ पर ये भी पेड़ है, ये भी पेड़ है, इधर भी पेड़ है, इधर भी पेड़ है, ये भी, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, पेड़ों। अब देखो और क्या नजर आ रहा है, ये क्या चीज है, फूल, है ना। तो यहाँ बहुत सारे फूल हैं, तो आपको एक फूल तो नहीं है, तो आपको बहुवचन में क्या लिखना है, फूलों, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा करना है, लिखना। हाँ तो प्यारे बच्चों, देखा आपने, अपन ने क्या पढ़ा अभी, एक वचन बहुवचन, है ना। अब यहाँ पर अपना हिंदी बी का कंप्लीट होता है, तो आपने बहुत अच्छे से ये पढ़ा है। चलो बहुत बहुत आपको धन्यवाद।